अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की तरफ से अपनी प्लेइंग कंडीशन में कुछ बड़े बदलाव किए गए। भारतीय पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की अध्यक्षता वाली आईसीसी की पुरुषों की क्रिकेट कमेटी की सिफारिश के बाद मुख्य कार्यकारियों की कमेटी ने इसे हरी झंडी भी दिखा दी है। ये सिफारिशें लॉर्ड्स में 1 जून से इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैच के साथ लागू भी हो जाएंगी। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 3 बदलाव किए गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि जून की पहली तारीख से खेल में क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। सॉफ्ट सिग्नल। हालिया समय में अंपायरों के सॉफ्ट सिग्नल खिलाड़ियों के साथ साथ फैंस और पूर्व क्रिकेटरों के बीच भी चर्चा का विषय रहे हैं। इन सिग्नलों के कारण फैंस और टीमें काफी खफा हुई हैं, तो कभी कभी उनके चेहरे पर मुस्कान आई है। बहरहाल अब मैदानी अंपायरों को अपना फैसला तीसरे अंपायर को रेफर करने के लिए सॉफ्ट सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जून की पहली तारीख से कोई भी निर्णय देने से पहले मैदानी अंपायर टीवी अंपायर से विचार विमर्श करेंगे और इसके बाद ही अंतिम फैसला दिया जाएगा। हेलमेट। अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हालात विशेष में हेलमेट की सुरक्षा अनिवार्य कर दी गई है और इसके तहत तेज गेंदबाजों का सामना करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। नंबर 2, तेज गेंदबाजी के खिलाफ स्टंप से सटकर विकेट कीपिंग करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। जब विकेट के सामने फील्डर बल्लेबाज के नजदीक फील्डिंग कर रहे होंगे तो उन्हें भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। फ्री हिट पर रन। जब गेंद स्टंप से टकराती है तो फ्री हिट पर लिया गया कोई भी रन बनाए गए रन के बराबर ही गिना जाएगा या फ्री हिट से बने बाकी रन के बराबर ही माना जाएगा।